हर टाइम एक कैमरे की निगरानी में होते हो आप इस चीज़ को सबको समझ लेना चाहिए कि हमारी प्राइवेसी कितनी ज़्यादा आप ये समझ लो कि अब नहीं रही प्राइवेसी नहीं रही तो कई लोग सोचते हैं कि यार मेरी कॉल तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की है या सामने वाला भी मुझे रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि मेरा बहुत खास आदमी है पर आपको टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड कर रही है तो ये जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं आप देखते होंगे आप ध्यान से देखिएगा आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे कितने सारी कन्फर्मेशन ऐप मांगता है कि आपका कैमरा एक्सेस हम ले लें आपके कॉन्टैक्ट हम ले लें आपके ये सब ले लें मतलब दे सो मैनी आप आप आँख बंद करके टिक करते चले जाते हो आज की डेट में जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं या कॉल कौल, कॉल कॉलिंग करके आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं आपने कई बार सुना होगा कि नॉर्मली कि आपसे कोई ओ मांगता है और आपके पता लगा कि आपके दो मिनट बाद आपके अकाउंट से पैसे चले गए इस सारे के सारे तार छत्तीसगढ़ से जुड़ते हुए नजर आते हैं रवीश कुमार अजीत अंजुम अभिशार शर्मा और ऐसे ही बहुत सारे पत्रकार जो सरकार के अगेंस्ट में चलते हैं और एक ही एजेंडा है उनका हर बात में अगर आप मैं बोलूं कि अगर आप इसराइल की बात हो रही है तो वहाँ पर भी मोदी की ही बात कर देते हैं आप लाल बहादुर शास्त्री भी तो हमारे प्रधानमंत्री थे ऐसे ऐसे लोगों ऐसे लोग हैं आप लाल बहादुर शास्त्री का कवच पहन के घूम रहे हो पर आप हो नहीं लाल बहादुर शास्त्री केजरीवाल साहब के ऊपर ये बड़ा फिट होता है उनके कद कांठी से कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री मिलते हैं पर लाल बहादुर शास्त्री को अपनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री बनना पड़ेगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ हरीश असवाल विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में वोटिंग सात नवंबर को होनी है लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आ गया है जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल उन पर गाज गिरती गिरती बची है तो वहीं अब इस लपेटे में भूपेश बघेल भी आते हुए नजर आ रहे हैं आरोप लगा है पाँच करोड़ रुपए लेने का बहुत बड़ी रकम है इनमें से कुछ करोड़ रुपए हैं जो बरामद भी कर लिए गए हैं तो अब ऐसे में सवाल है कि क्या टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि सारी क्लियरिटी आप अगर यहाँ बैठकर दुबई में भी बात कर रहे हैं तो वो पता चल जाएगा जी काजुल असल में टेक्नोलॉजी की बात जब आती है तो हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एप्पल ये सब यूज़ करते हैं आईओएस फ़ोन जिनको बोलते हैं तो उसमें आप हर टाइम एक कैमरे की निगरानी में होते हो आप इस चीज़ को सबको समझ लेना चाहिए कि हमारी प्राइवेसी कितनी ज़्यादा आप ये समझ लो कि अब नहीं रही प्राइवेसी नहीं रही और आप हर टाइम किसी एक कैमरे की निगरानी में हो तो कई लोग सोचते हैं कि यार मेरी कॉल तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की है या सामने वाला भी मुझे रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि मेरा बहुत खास आदमी है पर आपको टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड कर रही है ये आज की डेट में सबको समझ लेना चाहिए जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं आप देखते होंगे आप ध्यान से देखिएगा आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे कितने सारी कन्फर्मेशन ऐप मांगता है कि आपका कैमरा एक्सेस हम ले लें आपके कॉन्टैक्ट हम ले लें आपके ये सब ले लें मतलब दे सो मैनी आप आप आँख बंद करके टिक करते चले जाते हो क्योंकि आपको उस टाइम पे फाइनली ये दिख रहा होता है कि मुझे ये ऐप चाहिए आप उसके साथ साथ अपने सारे राइट्स उसको दे चुके होते हो तो ता एवरी टाइम यू आर ऑन रिकॉर्डिंग तो ये तो टेक्नोलॉजी की बात हुई तो अब मैं टेक्नोलॉजी को लेके इसलिए इसमें बात करना चाह रहा हूँ

कार्ड गेम्स चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलने के लिए मंच के साथ ही आपके जरिए क्रिकेट बैडमिंटन टेनिस फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी की जाती थी अब आप देखिए कि महादेव बैटिंग ऐप जो है इसको आपने कुछ दिन पहले भी एक महीना हो गया होगा लगभग तब आपने सुना होगा तब रणवीर कपूर जो कि बॉलीवुड स्टार है उनके साथ साथ बहुत सारे नाम जुड़े थे हालांकि इसमें आगे क्या हुआ कुछ डिटेल निकलकर सामने नहीं आई लेकिन छत्तीसगढ़ तक इसका जाल कैसे फैला है इसमें सबसे पहला नाम आता है पुलिस का एस चंद्रभूषण वर्मा जो ग्राउंड पर मुख्य संपर्ककर्ता के रूप में काम करता था ईडी ने दावा किया यानी कि एक जो पुलिसकर्मी है वही इस पूरे ताने-बाने को बुनता हुआ नजर आ रहा था दुबई से दो लोग बैठे हुए खेल खेल रहे थे और यहाँ छत्तीसगढ़ में ये पूरा जाल फैल रहा था शायद इसीलिए ऐसा करने की हिम्मत हो गई एस की क्योंकि इसमें भूपेश बघेल का नाम था देखिए मैं पहले छत्तीसगढ़ के बारे में आप बताएं कि छत्तीसगढ़ से क्यों सारे तार जुड़ते हैं आज की डेट में जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं या कॉल कौल, कॉल कॉलिंग करके आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं आपने कई बार सुना होगा कि नॉर्मली कि आपसे कोई ओ मांगता है और आपके पता लगा कि आपके दो मिनट बाद आपके अकाउंट से पैसे चले गए इस सारे के सारे तार छत्तीसगढ़ से जुड़ते हुए नजर आते हैं आपने इसमें एक मूवी भी देखी होगी जम तारा करके एक मूवी आई थी वो भी उसी वहीं बेस्ड थी और वो एक तरह से एक रियल स्टोरी थी काल्पनिक हो सकती है किरदार काल्पनिक थे बट एक रियल स्टोरी बेस्ड थी और वहाँ पर इस तरह के अब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ छत्तीसगढ़ के अंदर और भूपेश बघेल भी साहब छत्तीसगढ़ के ही मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अब अपने इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा किया है जो भी किया जो तथ्य हैं सामने हाँ, वो सीधे सीधे फंड हाँ तो अब देखिए इसमें सरकारों की निगरानी तो बिल्कुल होती है और एजेंसियां तो बहुत बारीकी से इन चीज़ों को निगरानी करते हैं तो यही ये यह जो तार जो निकल के आ रहे हैं ना इस तरह के और ये जो आ, आपका जो आ, क्या बोलेंगे इस ऐप जो अभी आपने नाम दिया महादेव सॉरी दे, महादेव ऐप की बात कर रहा हूँ महादेव ऐप आप के आपने देखा होगा कि एक गांव का एक लड़का और 200-300 करोड़ रुपए की शादी करता महादेव ऐप के ही ओनर की बात थी और जहाँ बड़े बड़े रणवीर कपूर कपिल शर्मा एंड सो मैनी श्रद्धा कपूर, कपूर लोग इन सब लोगों ने कैश में ट्रांजेक्शन की ये ई का आरोप है और इस पर जाँच पड़ताल भी चल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें छत्तीसगढ़ का मामला इन आया है भूपेश बघेल का नाम है देखो जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे फंड की रिक्वायरमेंट बहुत होती है जबकि कैपिंग है उसमें इलेक्शन कमीशन के थ्रू कैपिंग है उस कैपिंग में यह कहा गया है कि आप एक लिमिट तक ही खर्च कर सकते हैं पर कभी ऐसा हुआ नहीं आपने देखा होगा कि पैसा पानी की तरह तैरता है पूरे इलेक्शन में और वो कैपिंग से सब बाहर काम करते हैं इलेक्शन कमीशन बोलता है कि अब एक एम के इलेक्शन में फलाना इतने अमाउंट तक आप खर्च कर सकते हो और उसका आपको पूरा वो देना पड़ेगा पर ऐसा होता नहीं है लेकिन एक और सवाल मेरा ये है कि इस तरह के जो ऐप है चाहिए महादेव देखिए तो महादेव के नाम पर है तो इसलिए धार्मिक एंगल भी इसका जोड़ा जा रहा है और बीजेपी ने इस पर कटाक्ष भी गया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महादेव को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है कांग्रेस ने तो दुबई से ये संचालित हो रहा था ये दोनों लड़के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल इनको प्रमोट कर रहे थे दुबई से संचालित कर रहे थे तो क्या हमारी जांच एजेंसियां देखिए सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं लेकिन एक कहीं कही ना कहीं लोग पूछ रहे हैं कि ये तब चीज़ें क्यों नहीं होती जब चीज़ें चल रही होती हैं जब ट्रांजैक्शन हो जाता है पैसा आ जाता है तब जाकर कैसे देखिए अब देखिए काजुल आपका सवाल सही है कि पहले कैसे तो पहले क्या होता है कि आपकी सोच पे अंकुश नहीं लगा सकते आप कुछ भी बुरा सोच सकती हो जब तक आप क्राइम नहीं करोगे तब तक क्राइम तामिल नहीं होता कि भाई क्रा, क्राइम हुआ है सोच सोच तो कुछ भी सकता है इंसान तो ये तभी की बात है जब क्राइम हो गया है ठीक है तो इसलिए कोई पहले कैसे लगा सकते हैं दूसरी चीज मैं आज मैं कल मैं रोज़ आजकल चैनल्स लोगों के देखता हूँ गोदी मीडिया और ये सब फलाना मीडिया को लेके बात करते हैं और आज मैं उन्हीं उन्हीं पत्रकारों की बात करूँ रवीश कुमार अजीत अंजुम अभिषार शर्मा और ऐसे ही बहुत सारे पत्रकार जो सरकार के अगेंस्ट में चलते हैं और एक ही एजेंडा है उनका हर बात में अगर आप मैं बोलूं कि अगर आप इसराइल की बात हो रही है तो वहाँ पर भी मोदी की ही बात कर देते हैं और कुछ भी अप्रिय घटना होती है वहाँ से वो मोदी को जोड़ देते हैं तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि कहाँ है ये आज इतनी बड़ी बात हुई और भूपेश बघेल का नाम सामने आया आज कांग्रेस शासित प्रदेशों में सब चंगा सी वाली जो फीलिंग है इनकी वो क्या है क्या वहाँ कभी कोई घटना ही नहीं होती इन लोगों को दिखाई नहीं दे अगर ये निष्पक्ष होकर बात करते हैं तो इनको निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए एक भी आदमी का अभी तक कुछ भी वीडियो नहीं आया कोई सामने नहीं आया और अगर अभी ये बात अगर किसी बीजेपी के साथ हो जाती तो ये सब के सब अभी लाइव बैठे हुए होते और ये सब चीज़ें कर रहे होते तो निष्पक्ष होने की बात जब होती है ना तो निष्पक्ष आपको दिखना भी चाहिए आप दूसरे को जो बोलते हो आपके बोलने से निष्पक्षता नहीं आती तो यानी जो विश्वास देखिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अगर भारत की बात की जाए तो पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का तो पत्रकारिता भी क्या दो धड़ों में बढ़ गई है कि एक तबका जो है वो तो सरकार की नीतियाँ मैं ये नहीं कह रही कि गलत चीजें वो नहीं दिखाते अगर सर कहीं भी किसी प्रदेश में जहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां कुछ गलत हुआ है तो बड़े चैनल सारे दिखाते हैं लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव एंगल देखा गया है लेकिन जो ऐसे पत्रकार हैं ये भी बड़े बड़े चैनल से निकल कर आए हैं जिन जिनका नाम आपने लिया है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलतियां दिखाते हैं सरकार ने गलत किया तो क्या हम मान लें कि इनको पता है कि एक तबका क्योंकि हमने बांट दिया है देश में दो तरीके के लोग हैं जो एक मोदी को पसंद करते हैं जो एक मोदी को नहीं पसंद करते हैं। तो नहीं पसंद करने वाले इन्हें पता है कि हम टारगेट देखिए मैं मैंने हर बारी एक प्रोग्राम में बोला है कि जो बोलते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी ना वो ज़्यादा तेजी से जाती है और इन लोगों को नेगेटिव बोलने में जितनी पब्लिसिटी मिलती है और उसके साथ साथ पैसा भी मिलता है मैं आपसे पर्सनली जिक्र कर रहा था परसों कि रवीश कुमार जी के एक उसमें मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को आर्थिक मदद भी कीजिए शर्म नहीं आती इन लोगों को जब ये इस तरह की आर्थिक मदद की बात करते हैं कि अपना YouTube चैनल चला रहे हैं और किस चीज़ की आर्थिक मदद मांग रहे हैं कौन से एन को ये सपोर्ट कर रहे हैं किन लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं क्या कोई स्कूल में अनाथालय में वृद्धाश्रम में कहीं पैसे देते हैं ये लोग इनकी आय निकालिए ना इनको शर्म आनी तो चाहिए भी था कि अगर आपके में में मतलब में व्यूज मतलब जो और और लाखों कमाई करोड़ों में इन लोगों की सालाना इनकम है और उसके बाद ये आर्थिक मदद मतलब और पैसे दे दो उनको इनकी हवस देखिए आपने खान... मतलब किस तरह से पैसे की हवस है और दूसरे को ये बिल्कुल ऐसा कर देंगे उसको बदनाम करने के लिए कि मेरे मिलियंस में व्यूज है इस बात के भी पैसे लेते हैं ये कोई इंटरव्यू करना हो तो बिना फ्री में कोई इंटरव्यू भी नहीं करते ये अब सोचिए कि ये इस तरह इस तरह का इनका जाल है इस तरह का मैं बोलता हूँ कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है आप बहुत साफ सुथरा बोलते हैं पर एक पक्ष का बोलते हैं पर ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप सरकार की नीतियों गलत नीतियों को मत दिखाइए आप दिखाइए लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी आपको बताना पड़ेगा बतानी होगी आपको आप जहाँ रहते हो मैं रवीश कुमार हो गया अजीत अंजुम हो गया नोएडा गाजियाबाद के आसपास के एरिया में रहते हैं अब जहां से निकलते हैं एन एस ट्वेंटी फोर से क्या इनको डेवलपमेंट नजर नहीं आता इनको सुरक्षा नजर नहीं आती तो ये हमेशा ये पॉजिटिव साइड कभी नहीं दिखाएंगे अपने घर के अगल बगल की कब कम से कम ये तो बोल दो कि हाँ इस सरकार में एन एस ट्वेंटी फोर के जो इतने बुरे हाल थे आप अगर यहां से अगर आप देर मैं देहरादून का रहने वाला हूं मैं देहरादून जाना होता तो हमें सोचना पड़ता था कई बार हम नौ से दस घंटे में देहरादून पहुँचते थे आज हम साढ़े तीन घंटे में देहरादून पहुंचते वो डेवलपमेंट नजर नहीं आता तो इस तरह की पत्रकारिता जब होती है तो इस पर गुस्सा भी आता है और इनसे सवाल भी पूछना बनता 508 है पांच करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है पांच करोड़ रुपए एक परियोजना के होते हैं शायद ब, किसी भी अब देखिये इन वो पांच करोड़ रुपए इन लोगों के लिए छोटा ही हो गया अब तो क्योंकि ये तो सौ करोड़ में डील कर रहे हैं तो आप पर हमारा को बड़ा अमाउंट लग रही है इन लोगों को तो पाँच हज़ार करोड़ भी बोलोगे तब भी ये पाँच लाख हज़ार करोड़ तक की बात कर सकते हैं ये आपके लिए 500 करोड़ रुपए तो बहुत छोटे लोग क्या उस चीज को नहीं सोचते कि इससे एक परियोजना आप ला सकते थे परियोजना नहीं, नहीं।, नहीं लाई जा सकती दो नंबर के पैसों से ये लोग अपना अपनी परियोजना जरूर ले आते हैं अपने अपनी सरकार बनाने का रास्ता जरूर दो नंबर के से कभी ना सरकार ना कोई व्यक्ति किसी को नहीं चाहिए हम ये मान लें की दो मुख्यमंत्री बड़े प्रदेश के इनका खेल मैं केजरीवाल और भूपेश बघेल साहब बहुत जल्द मैं बोलता हूँ कि बहुत जल्द अंदर जाने वाले हैं और मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं भूपेश बघेल का वैसे तो मैं फ़ैन था बिल्कुल बहुत अच्छा मैं काम मैं दिन पहले आपने कुछ दिन, दिन पहले, पहले मैंने कहा कि जब देखिए जितने जहाँ तक का हमें पता है वहाँ तक के हम उनके फैन हैं आज जो सामने आया तो हमें दोहरा चरित्र नजर आया कि क्या भूपेश बघेल साहब भी ऐसा काम कर सकते हैं और इनकी जो आपसे नज़दीकियां हैं आप राघव चड्डा की सगाई में ये काफ़ी नज़दीक नजर आए थे तो इस तरह से मैं बोलूँगा कि केजरीवाल और भूपेश बघेल गठबंधन के दो मुख्य चेहरे लेकिन यहाँ बातें अलग अलग है लेकिन सोच वही सोच वही है सोच वही है आज की आज की जो सामने आई है आज लगता है कि सोच वही है तो देश को देश की जनता को भटकाने का बड़ा सही तरीका इन लोगों ने अपना रखा है और कैसे भी करके जीतना है मतलब कांग्रेस के टाइम पे सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस की जहाँ भी सरकार है वो भी इस तरह से बैटिंग ऐप के थ्रू पैसा कमा के और इलेक्शन लड़ना चाहती है या, या या ये इतना डर गए हैं या इनके पास वाक्य में जो नोटबंदी हुई थी उससे बहुत फंड नहीं है इनके पास नोटबंदी का असर सही में इन लोगों के ऊपर हुआ था वो आज सोचने का विषय है कि नोटबंदी फिर या तो सही फैसला था बिल्कुल जब ये इस तरह बैटिंग ऐप तक पे पहुंच गए तो वो बिल्कुल सही फैसला था और 2000 के जो नोट बंद हुए इलेक्शन से पहले मुझे लगता है उसका भी असर उस बड़ा खेल बदलाव हो सकता है उससे बड़ा असर मुझे दिखाई दे अगर आप गहराई में जाएंगे तो शायद बहुत सारी बातें निकलकर आ सकती है सामने तो जल्दी से हम बता देते कि भूपेश बघेल ने अपने पक्ष में क्या बोला है भूपेश बघेल बोलते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी ईडी आईटी डीआरआई और सीबीआई बी आई जैसी एजेंसियों के सहारे राज्य में चुनाव लड़ना चाहती है चुनाव से ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है उनका कहना है कि महादेव वेब की जांच के जरिए ईडी ने मेरे करीबी लोगों को बदनाम किया उनके यहाँ छापे मारे और अब मुझ पर पाँच करोड़ रूपये लेने का आरोप लगाया गया है उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे इस वजह से

तो तब तब क्या आपके न्यायालय के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएंगे आपके कि जज जो हैं बिक गए हैं या जज सेंट्रल की बात मानते हैं आपके आरोपों की लिस्ट खत्म नहीं हो रही है आप अपने आप को बिल्कुल दामन साफ बता रहे हो ऐसे लोग हैं दुनिया में इस देश में हैं जिन्होंने वाक्य में सेवा करी है देश की आप लाल बहादुर शास्त्री भी तो हमारे प्रधानमंत्री थे ऐसे ऐसे लोगों ऐसे लोग हैं आप लाल बहादुर शास्त्री का कवच पहन के घूम रहे हो पर आप हो नहीं लाल बहादुर शास्त्री केजरीवाल साहब के ऊपर ये बड़ा फिट होता है उनके कद कांठी से कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री मिलते हैं पर लाल बहादुर शास्त्री को अपनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री बनना पड़ेगा तो वो त्याग बन उनके पास एक कोट था मैं उनको तो वो उनके जैसा त्याग जो है ना वो लाना पड़ेगा वो पार्टियों में प्रेम लाना पड़ेगा वो प्रेम भी नहीं है ना वो त्याग है वो जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक कोट गिफ्ट किया था मैं आज मेरे को बात याद आ गई तो मैं इसलिए बता दूँ एक कोट सर्दी में उन्होंने गिफ्ट किया था जब ताशकंद की उनकी मीटिंग थी तो उसके लिए नहीं कश्मीर के लिए उनकी थी कश्मीर में जाना था उन्होंने कहा था बहुत ठंड है वहाँ पर आप ये कोट लेके जाओ तो समझिए कि एक प्रधानमंत्री के पास एक कोट तक नहीं था और दूसरी चीज़ मैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा पढ़ा उनके पास वो अपनी सरकारी गाड़ी कभी अपने निजी कार्य के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते थे क्या बन सकते हो लाल बादुर आप लाल बहादुर शास्त्री बातें करते हैं तो बातें तो कर, तो कर रहे हो आप शीश महल हजारे रह सकते हो एक मंदिर में नहीं बन सकते तो कहा जा सकता है ना कि जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं जब से गठबंधन बना है इंडिया अलायंस तो अब वो दिख रहा है धीरे धीरे पर्ते खुल रहे हैं कि ये जो सारे भ्रष्टाचारी है ना वो इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं ताकि इनके भ्रष्टाचार पर पर्दा पड़ा रहे बिल्कुल भ्रष्टाचार पे पर्दा पड़ा रहे भ्रष्टाचार को आगे और बढ़ाया जाएगा इस तरह से मैं बोलता हूँ देश में कुछ अच्छा हो रहा है ना अगर हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए हो सकता है कि हम सबको थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े कई चीज़ें हो सकती हैं जो आप लोग बहुत आज़ादी से हम लोग बहुत आज़ादी से करते थे पहले हमसे कोई पूछने वाला नहीं होता था ये पैसे कहाँ से आए क्यों आए आज वो अंकुश लग रहा है बट डेवलपमेंट आने वाली जनरेशन का जो डेवलपमेंट है वो दिखाई दे रहा है हमारे देश के अंदर वो बदलाव दिखाई दे रहा है हमारे देश की वो ताकत दिखाई दे रही है हमारे देश का वो इंटरफेरेंस दूसरे देशों के ऊपर जो असर है वो दिखाई दे रहा है तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए तो इस तरह के ऐप लागे आप देश के युवाओं को भी तो खराब करने की कोशिश कर बिल्कुल युवा युवा आप अप, अपने घर में हम जब देखते हैं कि बच्चे आज हम 10 साल के बच्चे को और पुराने टाइम के 22 साल के व्यक्ति को अगर आंखें तो एक जैसी मानसिकता आपको दिखाई देगी जो हमें 10 साल में नहीं आता था मतलब जो 22 साल में नहीं आता था वो 10 साल के बच्चे को आज बहुत अच्छे से वो ऐप चलाने आते हैं और उस तरह के बैटिंग में कब फंस जाए कुछ नहीं पता आजकल बहुत आसानी से आप अपने किसी भी ट्रांजेक्शन को कनेक्ट कर सकते हो गेम से छोटे छोटे बच्चे आप गेम ऐप ऐप खरीदते हैं अपने माँ बाप से बोलते हैं क्रेडिट कार्ड इसमें लगा दो डेबिट कार्ड इसमें लगा दो वो ऐप खरीद वो गेम खरीद लेता है तो कितना बड़ा नशा एक तरह से चल रहा है इस पर भी अंकुश लगना चाहिए और इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे कि बच्चे इस उसमें ना जाए पर मैं फिर बोलूँगा कि भूपेश बघेल साहब आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप इस तरह के किसी उसमें फंसे आप सही में छत्तीसगढ़ के मैं मैं पर्सनली आपका बहुत बड़ा फैन था और मैं चाहूंगा कि आप निष्पक्ष निकलें इस चीज से और बेदाग निकलें अगर आप में सही में कोई क्षमता है ने जो आरोप लगाए हैं वो तो बहुत कुछ बता रहे हैं लेकिन अगर भूपेश बघेल जो बयान दे रहे हैं उनमें जरा सी भी सच्चाई है तो ठीक है थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ होता है लेकिन एक सवाल जो हर बार हर किसी के मन में होता है आखिरी सवाल कि चुनाव के समय ही ज्यादा ईडी और सीबीआई एक्टिव होती है हर डिबेट में विपक्ष भी यही कहता है देखिए ऐसा है अब हर में मैंने पहले भी आपको कहा कि एजेंसियां जो होती हैं उनका काम है ये वो सक्रिय तभी होंगी जब कोई मूवमेंट्स होंगे अब मूवमेंट्स हो रहे हैं तो हमारे तो सक्रिय हो गए हैं तो अब वो क्या करें मतलब इलेक्शन टाइम पर छुट्टी दे दें उनको आपका आपका मनी ट्रेल जो पकड़ा जा रहा है वो इलेक्शन के टाइम पर आप नेता कब पकड़े जाओगे आप आपके मूमेंट्स तो पैसा आप कब बाहर निकालते हो या तो आपके यहाँ घर में शादी ब्याह होता है तब आप बाहर निकालते हो कहते हो कि दो लाख की हमारी सालाना इनकम है और ग्यारह लाख बारह लाख के होटल के पर डे के रूम में रहते हो तो आपकी आपकी एक्टिविटीज़ से निकलेगा ना आपकी एक्टिविटीज़ इलेक्शन टाइम पर बाहर आ रही हैं तो ऑब्वियसली आप ई डी का, का काम क्या है और यही काम है उनका तो आप इस चीज़ को ये बोले तब भी बाहर निकलते हैं अरे पहले क्या करें तुम तुम्हारी एक्टिविटीज़ नोट हो रही हैं और ऐसे टाइम पे तुम बाहर आया तुम्हें पकड़ा जाएगा अब अब आरोप लगा दो तुम्हारे क्या आरोप क्या कांग्रेस के जहाँ पर कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ पर क्या बीजेपी वालों को ये छोड़ देते हैं नहीं छोड़ते जो भी इन पर लोकल एजेंसी हैं ये पूरी हावी रखते हैं उनके ऊपर तो ऐसा नहीं है ये 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 वन साइडेड आरोप है और मैं एजेंसियों को मैं बोलूँगा कि अपना काम करते रहें और उनको इन चीजों में मीडिया की इन बयानबाजी में आना भी नहीं चाहिए बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि गठबंधन जो है वो लोकसभा के लिए बनाया गया है लेकिन लोकसभा तो छोड़ दीजिए विधानसभा चुनाव से पहले ही दो राज्यों में सरकार की पूरी बखिया सीबीआई ने और ईडी ने उधेड़ कर रख दी है अब इंतजार इस बात का है कि आखिर ये जो आरोप लगे हैं ईडी ने जो दावे किए हैं कि पांच करोड़ रुपए भगेल जी के पास गए हैं इनमें कितनी सच्चाई है क्योंकि भगेल जी तो मानने के लिए तैयार नहीं है जांच का विषय है जांच का इंतजार हमें करना होगा लेकिन अगर इसमें सच्चाई होती है तो क्या एक बड़ा फेरबदल छत्तीसगढ़ के चुनाव में हमें नजर आएगा और गठबंधन में भी क्या दरार पड़ती हुई नजर आएगी ये बहुत बड़ा सवाल है बिल्कुल तो मैं पहले भी आपको पहले भी प्रोग्राम में बोल चुका हूँ दिसंबर का इंतजार कीजिए एक महीना रह गया दिसंबर तक आपके सामने पूरे देश के एक नक्शा अलग तय हो जाएगा और गठबंधन का चेहरा आपके सामने होगा जिसमें से दो दो प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी तक आ चुके हैं अब तीसरे और चौथे की तैयारी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि दोनों ही मुख्यमंत्री चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो भूपेश बघेल हो क्या ये जेल जाएंगे या फिर महज ये अभी जांच है जी तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद देखते रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया धन्यवाद